So hello Mitra, I am Dr. Sandeep Bhasin, Carewell Medical Center. Beard transplantation is a very popular surgery and many young girls and young people want to do it because they want to keep a beard and they want to have कम बियर्ड रखना आजकल फैशन में आ रहा है और इसलिए बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन बहुत पॉपुलर हो रहा है. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी थिक बियर्ड हो और अच्छी मुस्टैशेज हो और बाय बर्थ अगर आपकी बियर्ड इतनी थिक नहीं है तो घबराइए नहीं, इसका एक बहुत अच्छा इलाज आजकल अवेलेबल है. तो इसको हम बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन की जो टेक्निक है, जो सर्जरी है, जो आप वो वेल एस्टैब्लिश्ड है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. और आप अगर क्लियर हैं कि आप कहाँ बाल चाहते हैं, क्या पूरी दाढ़ी में बाल चाहते हैं, मुस्टैशेज में चाहते हैं, गर्दन के नीचे चाहते हैं या फ्रेंच कट चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, अगर आपको ये क्लियर है तो वहाँ पर एक अच्छी डेंसिटी बालों की दी जा सकती है, वो डिज़ाइन किया जा सकता है बाल. और नंबर ऑफ ग्राफ्ट वेरी करेंगे. अगर आप पूरी बियर्ड चाहते हैं, मुस्टैशेज चाहते हैं, चिन में चाहते हैं तो 3,500 ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन अगर आप थोड़े से एरिया में बियर्ड चाहते हैं तो 1,000-1,500 ग्राफ्ट में भी काम चल जाता है. बियर ट्रांसप्लांटेशन में जो हम ग्राफ्ट लेते हैं सर के पीछे से लेते हैं और इनको फिर हम करते हैं, इम्प्लांट करते हैं. इसके अंदर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है. जो एंगल है वो 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा एंगल है 90 डिग्री तो देखने में बड़ा ऑड लगेगा, जैसे चिंपैंजी लुक आएगा कि जैसे पूरे बाल भालू की तरह खड़े हुए हैं चेहरे पे, अगर हम 90 डिग्री पे इनको इम्प्लांट कर देते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम होल्स कर रहे हैं, बाल इम्प्लांट कर रहे हैं, तो हम 20 से 30 डिग्री से ज़्यादा अपने एंगल्स को ना रखें. जैसे डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मल डायरेक्शन है बालों की उसके पैरेलल ही हों हमारे बाल, उनसे डिफरेंट ना हों हमारे बाल. और डेंसिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाए, जो नॉर्मल डेंसिटी है बालों की बियर्ड में उसी के हिसाब से ये बालों को डेंसिटी दी जाए. अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, डायरेक्शन का, एंगल का, डेंसिटी का, तो हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन में. एंड इट कैन बी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर द क्लाइंट एंड फॉर द डॉक्टर ऑल्सो. एंड वी आर, हमारे काफ़ी क्लाइंट्स के बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन हो चुके हैं, काफ़ी सेटिस्फाइड हैं वो. तो आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ आपसे भी कभी मिलेंगे फ्यूचर में. थैंक यू. आई एम डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर.